हरे कृष्णा। रविवासरीय प्रभात श्रीमद् भागवतम कथा प्रवाह में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो हम लोग प्रथम स्कंद का पारायण कर रहे हैं और पुंखानुपुंख रूप से भागवतम में भगवत शक्ति भगवान का विभू चरित्र समझने का प्रयास कर रहे हैं गुरु गौरांग गांधर्व गिरधारी की इच्छा से। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायश्वद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ओं गुरुवे नमः परम गुरुवे नमः अंधकोटि वैष्णवाय वैष्णवेभ्यो नमो नमः गौराय सपार्षद सधामाय नमामि। श्री राधा कृष्णभ्यं सपार्षद सधामाय नमामि। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासुदेव गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचा लं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमः वंदे श्रीगुरुं दिनतारिणं श्रीचैतन्यं ईश्वरं श्री परमानन्दमाधवम्। जन्मादियस्य यतः न्यतितरस्यर्थेश विज्ञस्वराट् तेन ब्रह्मरिदजादिकवये मुह्यजिदस्सूरयः तेजो वारिमिदां यत् विनिमयो यत् तिसर्गं मृषाः धाम्ना स्वेन सदन्यस्तकुहकं सत्यं परमधीमहि नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनस्त्वं नमामि हरिं परम्। हरिः ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। श्री हरि शरणम नारायण। हरे कृष्णा। तो श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के तृतीय अध्याय का हम लोग पाठ कर रहे थे। मेरे गुरु महाराज के पाद पंकज को स्मरण करते हुए तथा उनके चरण प्रणाम ज्ञापन करते हुए मेरे परमाराध्य परम गुरुदेव नित्यल प्रसंग विष्णुपाद परमहंस परिव्रजक आचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद कृष्ण कृपा श्री मूर्ति भक्ति वेदांत स्वामी महाराज श्री प्रभुपाद के चरणों में शतकोटि दंडवत प्रणाम निवेदन करते हुए मेरे इष्ट श्री श्री भगवान राधा गिरधारी माधव के चरणों में प्रपत्ति करते हुए श्री गिरिराज जी के चरणों में श्री मायापुर चंद्रदेव के चरणों प्रपत्ति करते हुए वंदन करते हुए आज का ये भागवतम कथा का शुभारंभ हम लोग करते हैं। आइए श्रवण करते हैं श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद के तीसरे अध्याय में। ये आप लोग थोड़ा सा लगेगा कि थोड़ा बोरिंग टाइप का लग रहा है मन कुछ तत्व है ना तत्व जानना बहुत ज़रूरी है। तत्व जानने से ही भगवान का जो विशाल विभू चरित्र है उसके प्रति हम नतमस्तक होते हैं और इसलिए नतमस्तक होना यानी कुछ अंश में अहंकार का नाश होना और भगवान के बारे में ये दिव्य ज्ञान जो दिया गया है इतना डिटेल। हाँ, इसे कहते हैं शास्त्र जो भगवान के स्वरूप को आपके सामने उजागर करे। तो शास्त्र चक्षु से ही हम लोग भगवान का एक्चुअली तत्वतः स्वरूप दर्शन कर सकते हैं। भगवान है श्रुतेक सीता, सुनने से देखे जाने वाले ब्रह्मा जी कहते हैं द्वितीय स्कंध में। तो उन भगवान का जो दिव्य अलौकिक असमोध विराट स्वभाव है चरित्र है उसको शास्त्रों में
सब ऋषिगण जो उपलब्धि किए उन उपलब्धि तत्व के द्वारा वे लोग उसका व्याख्या कर रहे हैं जो हम लोग सुन रहे हैं। तो हम लोग पुरुषावतार के बारे में जान चुके हैं, जो उनका प्रश्न था उन्होंने उत्तर दिया। अभी 6 से 22 तक में 5वें नंबर प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। कौन? ना सुत गोस्वामी पाद कि नाना अवतार के बारे में बोली। ये 5वां प्रश्न था जो कि श्लोक संख्या श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंध के 18 से 20 तक, हाँ ये 5वां प्रश्न था कि सब लीला अवतार कैसे हुआ इसका वर्णन करें। और कीर्तवान किल कर्माणि सवराम केशव अतिमर्तन भगवान गुरु कपट माशुन मानुष। भगवान राम और केशव माने बलराम जी और केशव भगवान कृष्ण मनुष्य कपट रूपी धारण कपट मनुष्य रूप धारण करके जतिमर्तन यशमूर्ध अलौकिक लीलाएं किए हैं, हाँ वो वर्णन करें। तो ये अभी वर्णन कर रहे हैं अवतारों के बारे में। और बहुत सुंदर कवित्व हैं भागवतम का कि एक एक श्लोक में उनके अवतार का उत्पत्ति कारण और क्या किया है वे व्याख्या कर रहे हैं। और मैंने सुना, मैंने सबसे अद्भुत लगता है मुझे जयदेव गोस्वामी का। जयदेव गोस्वामी तो गुणातीत संत थे, भगवतदर्शी। तो जयदेव गोस्वामी एक श्लोक में दशावतार को वर्णन किए हैं, उसमें उनका कर्म और उत्पत्ति बोला गया है। इतना सुंदर कवित्व है, क्या निपुणता है, क्या विद्वत्ता है। तो पहले अवतार का वर्णन हो रहा है, स एव प्रथमं देव कौमारं स्वर्गमाश्रितः चचार दुश्चरं ब्रह्मा ब्रह्मचर्यं अखंडितम्। सृष्टि के आदि में प्रथम ब्रह्मा जी से 4 जन अविवाहित चतुष्छन कुमार उत्पन्न हुए, जो लोग ब्रह्मचर्य अवलंबन करके परम सत्य को उपलब्धि करने के लिए कठोर तपस्या में रत हुए थे। सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार, ये चतुष्कुमार भगवान के शक्तवेश अवतार हैं। यहाँ पे दिया है भागवत में, देखिए अवतारों का वर्णन हो रहा है। द्वितीयं तु भवायस्य सातल गतांग महिम उद्वरिष्यन् उपादत्त यज्ञेश शोकरंग बपुः। द्वितीय अवतार कौन से हैं? ये पृथ्वी वसुंधरा जब रसतल में पतित हुई थी, आप जानते हैं हिरण्यकश्यपु की घटना, हिरण्याक्ष पृथ्वी को रसतल में लेके गया है, 7 लोक ऊपर 7 लोक नीचे, अतल वितल सुतल पाताल तलातल रसातल, ऐसे करके मही अतल वितल सुतल तलातल पाताल, ऐसे करके रसातल, ऐसे करके 7 लोक और महीतल, ये सब 7 लोक हैं नीचे के। तो ऐसे हम लोग आते हैं अतल लोक में, एक सुतल लोक में। सुतल लोक में बलि महाराज रहते हैं, यादव भी रहते हैं, हटकेश्वर महादेव तो अर्धलोक में है, अधोलोक में है। तो जब रसतल पतित हो गई थी हिरण्याक्ष के द्वारा पृथ्वी वसुंधरा, तो विश्व के मंगल के साधन करने के लिए, विश्व मंगल कल्याण करने के लिए भगवान पृथ्वी को उद्धार करने के इच्छुक हुए। और समस्त यज्ञ के परम भोक्ता यज्ञेश्वर विष्णु अपने द्वितीय अवतार वराह रूप धारण किए, शुकर रूप धारण किए थे। यहाँ पे बनेला शुकर रूप धारण किए थे। शुकर के 2 है, ग्राम में शुकर एक बनेला शुकर, हाँ। तो भगवान जो शुकर रूप धारण किए, जो बनेला शुकर है, और वो शुकर का स्वभाव होता है
कि ग्राम में सिंह यानी जितने भी कुकुर हैं, कुत्ते हैं, उनको पहले ख़त्म करना। जहाँ पे ग्राम में सिंह रहते हैं यानी कुत्ते, ग्राम सिंह कहा जाता है शास्त्र के अनुसार, तो वहाँ पे अगर बनेला सुअर छोड़ दिया जाए, हाँ बनेला शुकर, तो वे इनको वराह कहते हैं। एक्चुअली इनको वराह कहते हैं, ये जो ग्राम में सुकर मिल जाते हैं, ये जो दिखते हैं, ये लोग मल खाने वाले हैं। लेकिन बनेला सुकर जो है वो मल नहीं खाता है, वो प्राकृतिक रूप में जो औषधि गुणमय पेड़ पौधे हैं वो खाते हैं, और बहुत खूंखार होते हैं, बहुत शक्तिशाली होता है। शास्त्र में तो ऐसा भी कहा गया है कि बनेला सुकर जहाँ विचरण करता है उनका धूल समस्त पाप नाशक होता है। बहुत से सिद्धगण ऐसे धूल को रखते हैं और उनसे स्नान करते हैं, पवित्र हो जाता है तुरंत ही जहाँ बनेला सुकर रहता है। तो ऐसा शास्त्र में वर्णन किया। तो बनेला सुकर का रूप धारण किए थे भगवान। बहुत लोग का मान्यता ऐसा है कि वे सुअर बने थे, कीचड़ में जाना था, इसलिए ऐसा नहीं, कीचड़ में वो बनेला सुअर रहता है नहीं। पहली बात आप देखिएगा, बनेला सुअर कभी कीचड़ में नहीं रहता, तो जंगल में रहते हैं और बहुत खूंखार होते हैं, उनका उनके टस्क होते हैं, बड़े बड़े दांत, और उनका रूप भी बहुत भयानक होता है। उनका मुंह और उनका जो कदकाठी है उनके ऊपर रोम रहते हैं, वो देखने में अद्भुत होते हैं। और जो ग्राम में सुकर हैं, और वो लोग जो बनेला सुकर है वो इतना मोटा चर्बी युक्त तो नहीं होता कभी भी, लेकिन ये जो ग्राम में सुगर हैं जो यहाँ पे वहाँ पे मिलते हैं, जो विष्टा भोजी हैं, वो लोग का आकार अद्भुत होता है। तो बनेला सुअर बने थे भगवान, दिव्य अति दिव्य वराह रूप धारण की, तो उसे वराह कहते हैं। ये भेद आप लोग जानिए, शास्त्र में भी इसका उल्लेख है। तृतीयम ऋषि सर्गम वै देवर्षित्वम उपेत्य स्वतंत्रम सात्वतम आचष्ट नैष्कर्मम कर्मणाम यतः। ऋषिकल्प में परमेश्वर भगवान देवर्षि नारद रूप में तृतीय शक्तावेश अवतार रूप में आविर्भूत होते हैं। वेद में जो समस्त वर्णना भगवत भक्ति और निष्काम कर्म समस्त जीव को अनुप्राणित करते हैं, ये नारद मुनि बन के वो समस्त वर्णनाओं को वो संकलित करते हैं। नारद मुनि का विशेष काम यहाँ पे दिया गया है। क्यों नारद मुनि क्या करते हैं? वेद में दिए गए, देखो वेद तो गुह्य है, वेद में 80% ही कर्मकांड है एक्चुअली, भोग विलास इत्यादि सब वेद में है। कैसे? भौतिक सुख सुविधा आप देवताओं के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं वो। तो वेद में जहाँ पे भगवत भक्ति उपासना कांड और निष्काम कर्म योग, इसे भक्ति योग बुद्धि योग कहते हैं, तो वो जो जीव को अनुप्राणित करते हैं, ऐसा कुछ उवाच, ऐसा कोई श्लोक मंत्र इत्यादि का संकलन करते हैं, तो ये है नारद मुनि का काम। इसलिए नारद पांचरात्र जो विधि वैधि भक्ति के सार तत्व स्वरूप पांचरात्र दीपिका, पांचरात्र प्रदीप, हाँ, भगवान नारायण के साथ पांच रात बैठ के उपदेश ग्रहण किया नारद मुनि ने, उसे नारद पांचरात्र कहते हैं। हाँ, और उसमें भगवान नारायण ने शुद्ध भक्ति, भक्ति का विधिवत सेवा इत्यादि का वर्णन किया है, जो नारद मुनि संकलित किया है। नाम पर नारद पांचरात्र एक शास्त्र है, बहुत फेमस शास्त्र है। समस्त श्री संप्रदाय वैष्णवगण, हमारे गौड़ी संप्रदाय के वैष्णवगण, माधव संप्रदाय के वैष्णवगण, ये समस्त वैष्णवगण नारद पंचरात्रि के अनुसार ही भगवान का सेवन पूजन करते हैं। इसमें विधि बताया गया है भगवान के पूजा का, यज्ञ विधि बताया गया है। तो ये नारद पंचरात्र, इसलिए वैष्णव संप्रदाय, क्योंकि वेद के जैसे शास्त्र में दिया है ब्रह्मवृत्त पुराण में, अश्वमेधं गवालंबं संन्यासं पलपैत्रिकं देवो रेण सुतत्पत्ति कलौ पंच विवर्जयेत। कलिकाल में ये पांच चीज, अश्वमेध, गवालम गोमेध,
संन्यास, कर्म संन्यास जो है वो पल पैतृकम, पल यानी मास यानी पितृ कार्य में, पितृ तर्पण में मास का आहुति देना, और देवोर यानी शुद्धोत्पत्ति है देवर के साथ, देवर के साथ सुतत्पन्नी, सुतत्पत्ति यानी संतान उत्पत्ति करना, जैसे पहले के जमाने में था ऐसा, जैसे बाली सुग्रीव, सूर्य की पत्नी है रूमा जिसका हरण किया था बाली ने, जब बाली का वध हो गया तब तारा महासती जो बाली की पत्नी थी वो सुग्रीव को फिर पति रूप में वरण करती है, उनके साथ संतान भी होता है। तो देवोरेण श्रुतोत्पत्ति ये पहले प्रथा था लेकिन अभी वो नहीं है, कलिकाल में पंच विवर्जय, ये पांच चीज़ कलिकाल में संभव नहीं है, ये ब्रह्मवेद तो पुराण में कहा गया है। अश्वमेध गवालंबन यानी वैदिक यज्ञ क्रिया, वैदिक विधि नियम कलिकाल में पालन करना संभव नहीं है। वैदिक मंत्र जो विभिन्न स्वर नाद में छंद में गाए जाते हैं वे वैदिक रीति नीति के अनुसार वो ब्राह्मण मिलना मुश्किल है, ऐसा ब्राह्मण उपनयन करना मुश्किल है, तो कलिकाल में ये सब संभव नहीं है। कलौ शूद्र सम, कलिकाल में सब शूद्र हैं, संस्कारित भवेद विप्रवलिंग, संस्कार के द्वारा वे विप्र बन सकते हैं, इसलिए कलिकाल में पूजन विधि जो है वो जितना वैदिक ना हो उतना अच्छा है, क्योंकि वही तंबाकू पी के, तंबाकू गुटखा वगैरह खा के जो ब्राह्मण पूजा करते हैं उनके द्वारा पूजा किया, श्राद्ध किया, उस सब विफल में जाता है, क्योंकि शास्त्र में कहा गया है कि सुरभि के रक्त से उत्पन्न हुआ है तंबाकू, तो जो तमाक युक्त तो यानी जो भी टोबैको प्रोडक्ट्स हैं वो जो भी कंज्यूम करता है वे गोहत्या गोमांस खाने के बराबर पाप करता है, वही है समझ लीजिए। तो इसीलिए जैसे जो बायां हाथ से पानी पीता है वो सुरापान के जैसा पाप करता है, कभी बाएं हाथ से मुला के पानी पीना नहीं चाहिए, उसे बोलते हैं मद्यपान का पाप मिलता है उसे, पंच पाता की पाप में से एक है शराब मदिरा पान करना, तो उसको वो पाप लगता है। ठीक है, ऐसे ही जो तमाकू खाता है उसको गो हत्या का पाप लगता है, गोमांस भक्षण का पाप लगता है, इसलिए ऐसे तमाकू बीड़ी इत्यादि पी के पूजा करने वाले जो ब्राह्मण हैं भले ही वो वैदिक कर्मकांडी मंत्र पाठ करे लेकिन उसका कोई फल नहीं, उससे उल्टा विनाश होगा आपका, कि उनको वो संस्कार विधि प्राप्त वो शुद्धता नहीं है, इसलिए वैदिक चीजें कलिकाल में वर्जनीय हैं। वर्जनीय इन द सेंस कि जो करने वाले ब्राह्मण आज भी हैं ऐसा नहीं कि नहीं है, लेकिन वो सुलभ थोड़ी है, किसके पास कौन जानता है, और किसको पड़ी है ऐसे ब्राह्मण से करवाने के लिए, ये भी एक बात है। कोई आजकल शुद्धाचार शास्त्र पठन पाठन इत्यादि नहीं देखता, ब्राह्मणों के लिए एक चीज़ कहा गया है कि वेद पाठी ब्राह्मण जो बहुत निष्ठावान, उनका उनके बारे में एक चैप्टर का दिया गया है ब्रह्मखंड में, ब्रह्मवेद पुराण में, उनको क्या खाना है नहीं खाना है एक चैप्टर दिया गया है, ब्राह्मणों का विधि नीति नियम क्या है उसमें दिया गया है, तो वो पढ़िएगा ब्रह्मवेद पुराण, अगर आप लोग गीता प्रेस से पढ़ना चाहते पढ़िएगा, उसमें दिया हुआ है ब्राह्मण लोग का कैसा आचरण होना चाहिए, क्या खाना है नहीं खाना है, इतना विधि नियम पालन करना होता ब्राह्मणों को, चार नियम तो पालन करना है ही, ऊपर से और स्तोत्र आदि पाठ, नियमित गायत्री संध्या जप इत्यादि, क्योंकि वो यजमानी करते हैं जहाँ जहाँ वहाँ वे भोजन करते हैं, अगर उनका पाप ग्रहण करना पड़ता है उन यजमानों का, श्राद्ध करवाए तो प्रेत का पाप ग्रहण करना पड़ता है, तो वो पाप ग्रहण करके आके तुरंत निर्मल होना पड़ता है, एक नियमित संख्या में गायत्री जप, भगवान नाम जप, चतुरादि पाठ, स्तवराज पाठ इत्यादि पाठ के द्वारा अपने आप को शुद्ध करना पड़ता है, तो इसलिए नियमित जो आचर्या में रहे वे शुद्ध ब्राह्मण ही, अगर वैदिक हो तो अच्छी बात है, लेकिन अगर
ये सब नहीं करें तो ब्राह्मण ब्राह्मण के पद से नीचे उतर जाएगा, उसका पतन होगा, वे महाभौतिक बन जाएगा, भौतिकवादी से ज़्यादा भौतिक बन जाएगा। और वही हुआ है कलिकाल में, बिना विचार के मांसाहार सब कुछ चलता है ब्राह्मण वंश में, बिना विचार के। शास्त्रों में इतना कुछ दिया गया है, और इसीलिए ये लोग ब्रह्म दैत्य बनेंगे मरने के बाद, इसमें कोई संदेह नहीं है। हाँ, ये लोग ब्रह्म दैत्य बनेंगे और हजारों साल तक प्रेत योनि में दंडित किए जाएंगे। तो जैसे ब्राह्मण का उच्च पद है, गरिमा है, ठीक, उसका दंड भी उतना गहरा है। अगर ब्राह्मण लोग ब्राह्मणत्व को नष्ट करते हैं, ऐसा हो सकता है कि ब्राह्मण लोग नष्ट हो गए हैं, नष्ट उनके ब्राह्मण नष्ट हो गए, लेकिन पुनराय उसके संस्कार के द्वारा फिर से ब्राह्मण तो लाया जा सकता है। प्रायश्चित हर समय में हर जगह दिया गया है, अगर करे तो, अगर करे ही नहीं तो उसके लिए भोगने की तैयार। बहुत भाग्य के बाद कोई ब्राह्मण कुल में जन्म ग्रहण करता है, ये भी एक बात है, बहुत भाग्य के बाद। लेकिन अगर वो ब्राह्मणत्व तो पालन ही नहीं करता है तो फिर वो गया काम से। नारद मुनि, नारद पांचरात्र की इत्यादि जो विधिवत कलियुग के लिए हैं, उसको संग्रह करके कलियुग के लोगों के सुलभ कर दिया पूजा पद्धति को। वहाँ पे उन श्लोकों को, उन मंत्रों गाने में ईश्वर छंदनाद इत्यादि का प्रयोजन नहीं है। इसीलिए हम लोग जो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये जो हम लोग मंत्र, ये महामंत्र वेद मंत्र है एक्चुअली, लेकिन एक पुराण में ये मंत्र ऐसे दिया गया, हरे कृष्ण पहले और हरे राम बाद में। तो जेहेतु ये पुराण है, वेद मंत्र नहीं है, तो इसमें वही वैदिक उच्चारण का जितने भी नियमावली है वो लागू नहीं होता है। बहुत लोग कहते हैं कि स्कंद छंद उपनिषद में ये तो हरे नाम पहले हरे कृष्ण बाद में दिया गया है, और उसमें लिया गया इसका विधि निषेध नहीं है। तो मैं कहता हूँ कि आप लोग तो इतने ज्ञानी हैं, वेद में दिया गया है, वेद पढ़ने का अधिकारी कौन है? ब्राह्मण है सिर्फ, शास्त्र में लिखा गया है सिर्फ ब्राह्मण वेद को छू सकते हैं, पढ़ सकते हैं छंदनाद के द्वारा, ना क्षत्रिय। क्षत्रिय वेद पढ़ सकता है लेकिन पढ़ा नहीं सकता। ब्राह्मण पठन पाठन, पठन भी कर सकता है, पढ़ा भी सकता है। हाँ, और यज्ञ बीच संस्कार चाहिए, बहुत विधि नियम है, तो वहां तो पढ़ने के पहले विधि नियम हो गया है, तो ये सुलभ कैसे हुआ सबके लिए? इसीलिए भगवान महाप्रभु, सबसे बड़ी बात है, बहुत लोग सब जानते हैं कि गौरंग महाप्रभु साक्षात कृष्ण है, वही भगवान है, फिर भी भगवान से ऊपर वो लोग अपना मत देते हैं। तो ये उनके अहंकार, पांडित्य अहंकार का ही प्रतिमूर्ति। इसके अर्थ क्या है कि शास्त्र वाचन करके भी अभी तक भी यद्यपि शरणागति में त्रुटि रह गई है, इसलिए सिद्धांत भगवान ने जो दे दिया वो अल्टीमेट है, वो उनको स्वीकार नहीं हो रहा है। प्रवचन में बोल रहे हैं कि भगवान है, अतः जब भगवान ने जब दिया है तो तुम अपना बुद्धि लगा क्यों रहे हो भाई? तो सब लोग अवश्य ही कल्याण के लिए हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये मंत्र जप करने से ही समस्त मृत्य यवनों का उद्धार हो के वे लोग भक्त बन गए हैं। तुम्हारा पांडित्य फलाओ जाकर विदेश में, भक्त बनाओ जाके, थोड़ा सा चाय कॉफी छुड़वाओ, थोड़ा सा बाहर जाके सुबह उठाओ और मंगला आरती करवाओ, तिलक करवाओ, इतने ब्राह्मण हो ना, कुलीन ब्राह्मण आचार्य हो, तो जाके जाओ, तो विदेश में थोड़ा जाओ तो प्रचार करो इस तरीके से, इतने शुद्ध अगर हो तो, वहाँ तो दाल गलेगी नहीं। तो इसलिए वृक्ष तुम्हारे नाम की फले परिचय, वृक्ष तुम्हारे नाम क्या, फल से परिचित हो जाता है। तो परम शुद्ध भक्त के हृदय में कोई संक्षोभ द्वेष नहीं रहता, वे द्वेष रहित होता है, श्री प्रभुपाद जी जैसे शुद्ध भक्त, और वे महाप्रभु के पार्षद में से एक हैं। महाप्रभु का संकीर्तन आंदोलन हरे कृष्ण 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 हरे राम जगत में व्याप्त कर दिया है, और ये प्रमाण है कि वेद मंत्रों से भी ज्यादा कलिकाल में, हाँ, पौराणिक मंत्र भी कुछ कम नहीं है, समान ही है, ये प्रमाण है उसका। अगर आप बोलते पुराण में दिया गया इसके वेद मंत्र नहीं है तो शक्ति नहीं, तो ऐसा अगर होता तो ये प्रभुपाद का आंदोलन सिद्ध कैसे होता? इस्कॉन में तो कोई भी वेद पाठ नहीं करता है, इस्कॉन में जो भी चलता है पंचतंत्र विधि से चलता है,
इस्कॉन का यज्ञ, इस्कॉन यज्ञोपवीत, इस्कॉन का जितना भी संस्कार है, वे सब नारद पंचात से पंचातक विधि से चलता है, वैदिक विधि से नहीं चलता है। तो इसीलिए नारद पंचात्र भी जो वैदिक शास्त्र के समान तुल्य शास्त्र, इसका प्रमाण यही है आपके सामने दिख रहे हैं। इस्कॉन जो भक्त लोग बन रहे हैं, विदेशी इत्यादि सब लोग मांसाहार, व्यभिचार, शराब जुआ आदि सब छोड़ छाड़ के कैसे निर्मल शुद्ध जीवन में लौट आ रहे हैं, जो उनके आत्मा का जीवन है, आत्मा का स्वभावमय जीवन है। तो नारद जी का संकलन जो है ये कितना प्रामाणिक है, ये इसका प्रमाण है। प्रभुपाद ने प्रमाण कर दिया है कि पुराण मंत्र, इसे पंचरात्रि इत्यादि मंत्र भी इक्वली पावरफुल है वैदिक मंत्र की, कुछ कम नहीं है, और ये कल्याण का ही ज्यादा है क्योंकि इसमें विधि निषेध नहीं है उतना। तो इसीलिए कली काल में हरिनाम का आश्रय लेंगे साधु गुरु शास्त्र के वचनों को पालन करके, इसलिए वैदिक जो सिद्धांत है कलिकाल में नहीं चलते। नारद मुनि ने कृपा करके इसीलिए नारद पंचरात्र ग्रंथ का प्रणयन किया। नौवां श्लोक, तुर्य धर्म कला सर्गे नर नारायण ऋषि नर नानब ऋषि भूतात्म पशमो पेतम करोत दुश्शरंग तपः। चौथे अवतार है भगवान धर्मराज के पत्नी के गर्भ में नर और नारायण नाम के यमज दो पुत्र उत्पन्न हुए, दो जुड़वा पुत्र। वे लोग इंद्रिय संयम का आदर्शन, तपस्या इत्यादि प्रदर्शन करने के लिए कठोर तपस्या में लीन हुए। और तपस्या किसे कहते हैं, भगवान ने खुद तपस्या करके दिखाया है। ये नर नारायणी बाद में जाके कृष्ण अर्जुन बने। पंचम कपिलो नाम सिद्धेश काल विप्लुतम प्रवाचा सूरये सांख्यं तत्वग्राम विनिर्णयम्। पांचवा अवतार ऋषि श्रेष्ठ कपिल नाम से अवतरित की, अवतरण की। वे आसुरी नामक ब्राह्मण को, ब्राह्मणों को सृष्टि करके, वे आसुरी नामक ब्राह्मणों को सृष्टि के उपादान समूह विश्लेषण करके सांख्य दर्शन प्रदान किए, क्योंकि काल के प्रभाव से वो ज्ञान नष्ट हो चुका था। षष्ठम अत्रे अपत्यम वृत प्राप्त अनुसूयया अन्विखिकम अलर्काय प्रहलाद आदिव्यः उचिवान। परम पुरुष के षष्ठ अवतार हुए महर्षि अत्रि के पुत्र भगवान दत्तात्रेय माता अनुसुआ के प्रार्थना से वे उनके गर्भ में जन्म ग्रहण किए। आप जानते ब्रह्मा विष्णु महेश्वर उनके पास गए थे और परीक्षा करने के लिए सतीत्व का, तीन देवियों के कहने पर, तो उन्होंने उनको शिशु बना दिया था अपने सतीत्व की शक्ति से, और वे तीनों देवता एक एक रूप में तो अवतरित हुए ही, और एक पूर्ण रूप में दत्तात्रेय भगवान के रूप में प्रकट हुए। इनमें ब्रह्मा विष्णु महेश्वर तीनों ही समाये हुए, लेकिन मूलतः ये भगवान के अवतार हैं। ये दत्तात्रेय भगवान अलर्क, प्रहलाद और बहुत लोगों को पारमार्थिक ज्ञान दिए हैं। ततः सप्तम आकुत्यां रुचे ही यज्ञ अव्यजायत स याम आदयी सुरगणई अपात स्वयं भुवंतरम। सप्तम अवतार हुए प्रजापति रुचि और उनके पत्नी आकुति के पुत्र यज्ञ। स्वयं भुव मन्वंतर में इन्हीं ने ब्रह्मांड पालन किया था, और उनके पुत्र याम आदि देवताओं ने उन कार्य में उनको सहायता किया था। मैंने कहा था हर मन्वंतर में ऐसा मनु भगवान ही अवतरित होते हैं। अष्टमी
मेरु दिव्याम तु नाभे जातः उरुक्रमः दर्शयन् वर्त्म धीरानाम सर्व आश्रम नमस्कृतम। भगवान के अष्टम अवतार हैं महाराज के नाभि और उनके पत्नी मेरु देवी के पुत्र महाराज ऋषभदेव। ये अवतार भगवान इस अवतार में भगवान पूर्ण सिद्धि के लाभ के पंथा का प्रदर्शन किए हैं, जो पंथा है सर्वतोभाव जितेंद्रिय और समस्त वर्ण और आश्रम के मनुष्य को द्वारा पूजित परमहंसगण अवलंबन करते हैं। ये पंथा किसके लिए है? परमहंसों के लिए। भगवान ऋषभदेव जिनके पुत्र भरत महाराज हुए, जो बाद में जड़ भरत बने। तो अष्टम अवतार के रूप में महाराज नाभि और उनके पत्नी मेरुदेवी के पुत्र ऋषभदेव भगवान परम तपस्या के तपस्याओं को, तपस्या कैसे करते हैं, तपो दिव्यम पुत्र का ये ना इत्यादि उपदेश अपने पुत्र को देकर सौ पुत्र, अच्छा उनके पुत्र ही है नवयुगेंद्र, नौ पुत्र कवि कोविद इत्यादि, पीपल लाइन आए इत्यादि, और भरत महाराज जो जड़ भरत बने। ये ऋषभदेव तीर्थंकर ऋषभदेव नहीं है, ये आप लोगों को आगे जाके भी और भी इन्फॉर्मेशन मिलेगा। भागवत के अनुसार जैनियों के जो ऋषभदेव हैं वो अरहंत करके कोई राजा था, उसको अरिहंता कहते हैं वो लोग। वे ऋषभदेव का अनुकरण करके विश्ववन प्रसिद्ध हो गया जैनियों के। लेकिन ये जो तीर्थंकर ऋषभदेव हैं और ये जो भगवान जहाँ पे वर्णन किया भागवतम में, भागवतम में पंचम स्कंद में इसका पूर्ण वर्णन आता है ऋषभदेव उनके शिक्षाओं का। प्रभुपाद ने बॉम्बे में जुहू में इसका पूरा लेक्चर दिया है, बहुत सुंदर लेक्चर है प्रभुपाद जी का। वो जब भी अवसर मिलता है मैं सुनता हूँ श्रीमद् भागवत का जुहू का, बहुत ही सुंदर लेक्चर है। तो ऐसे प्रचलित हो गया। तो अभी नवम अवतार कहाँ गया है? ऋषि भी जाचित भेजे नवमं पार्थिवं बपुः दुग्ध इमां औषधि विप्राह तेने अयम सह उषत्तमः। हे विप्रगण, ऋषियों के द्वारा प्रार्थित होकर नवम अवतार के रूप में भगवान पितृ रूप में राजदेह धारण किए, पितृ रूप में पितृ भगवान का अवतार है यहाँ पे वर्णन किया जा रहा है। देखिए, वे पृथ्वी में वसुंधरा में जो औषधि है उनका मंथन करते, दोहन करते हैं और पृथ्वी को नमनीय करते हैं, कोमल करते हैं। तब पृथ्वी बहुत ही पर्वतों पत्थरों से शिलाओं से आच्छादित थी, तो उनको कोमल बनाया पृथु महाराज ने, भगवान पृथु ने। ये पृथु महाराज राजा बेन के देह से उत्पन्न हुए थे, ऋषियों ने राजा बेन को मारा था मंत्रों के द्वारा। जब ये देखिए, ये बहुत बड़ा शिक्षा है, ऋषिगण भगवान को ही अपना सर्वस्व मानते हैं, वे चाहते हैं कि राम राज्य का स्थापित हो सब जगह, तो प्रजा वास्तविक रूप में सुखी रहेगी। सुखी किसे कहते हैं? हम लोगों का प्रॉब्लम में है, हम लोग सुखी अपने हिसाब से होना चाहते हैं, लेकिन एक्चुअली सुखी कैसे रहना उसका मार्गदर्शन गुरु ऋषियों द्वारा हम लोग को लेना चाहिए। हम लोग कुछ भी बिना सोचे समझे चाहते हैं, उसका जो क्या परिणाम होता है हम लोग जानते हैं, इसीलिए समस्त प्रजा दुखी रहती है। ऋषिगण पहले राजाओं को शिक्षा देते थे, उनको कंट्रोल करते थे, ऋषियों द्वारा राजा परिचालित होते थे ऋषियों के मार्गदर्शन में। और जैसे राजा चरित्रवान होता था तो प्रजा भी चरित्रवान होती थी, ऐसा ही भगवान ने गीता में कहा है, श्रेष्ठ व्यक्ति जैसे आचरण करता है बाकी प्रजाजन उनको फॉलो करती है, यही लीडरशिप है। इसे बोलते हैं वैल्यू बेस्ड लीडरशिप। जितने सारे इंपॉर्टेंट वैल्यूज हैं वो एक लीडर अपने जीवन में कठोर संग्राम तपस्या के बाद इम्बाइब करता है, उसको एडॉप्ट करता है, और फिर जैसे वो पालन करता है बाकी सब लोग उसके आदर्शों को पालन करते हैं।
ये लीडरशिप। तो राजा बेन बड़े अत्याचारी थे, लाइक आसुरी थे एक तरीके से। तो प्रजा के अत्याचार को देखकर ऋषियों ने उनको मंत्र के द्वारा मृत्यु प्राप्त करवाया, दंड दिया। लेकिन तब राज्यभार कौन संभालेगा ये सोचकर उन्होंने वेन के समस्त अंगों को मथा और पृथु महाराज उस मंथन से उत्पन्न हुए। हाँ, इसलिए पृथु भी अजय हैं, इसलिए तो भगवान है, भगवान प्रकट होते। देखिए ये जो भगवान ने कहा है जन्म कर्म च मे दिव्यम जो व्यक्ति तत्वता है, जन्म कर्म भगवान के माने दिव्य होता है। भगवान प्रकट होते हैं, अप्रकट होते हैं। भगवान कभी ऐसे स्त्री पुरुष जन्म नहीं लेते, वो तो लीला है, दिखाते हैं उनको फीलिंग करवाने के लिए। लेकिन एक्चुअली भगवान अजय हैं, अजय अपि सन्वय आत्मा भूतानाम अपि ईश्वर अपि सन्, भगवान गीता में कहते हैं भगवान अजय अपि अजय भगवान। तो पृथु के पृथु भगवान का प्राकट्य ऐसे हुआ अद्भुत। और फिर उन्होंने सुशासन किया, धर्म प्रतिष्ठा किया, और यहाँ पे दिया है उन्होंने औषधियों को मंथन किया और पृथ्वी को कोमनीय बनाया। रूपंग स जगृहे मात्संग चाक्षुषो चाक्षुषो उदधी समप्लवे नावी आरोप्य महिमय्याम अपात वैवस्वतम मनुम। तो चाक्षुष मन्वंतर में जब महाप्लावन हुआ, समस्त पृथ्वी जल के अतल तल में निमज्जित हो गई, तब भगवान मत्स्य रूप धारण किए और वैवस्वत मनु को एक नौके के ऊपर बिठाकर उनकी रक्षा किए थे। तो यहाँ पे एक और चीज़ आप लोगों को जानने के योग्य हैं, ब्रह्मा का आयु, ब्रह्मा का 100 वर्ष आयु है, लेकिन इस आप क्या है, ब्रह्मा का एक दिन में 2 कल्प होते हैं, दिवा भाग रात्रि भाग एक एक कल्प। हाँ, और पूरा 24 घंटे में 2 कल्प, जितना ही बड़ा दिन उतना ही बड़ा रात्रि ब्रह्मा का होता है। एक कल्प में 14 मन्वंतर होते हैं, एक मन्वंतर यानी 71 बार चतुर्युग बीत जाए उसे बोलते हैं एक मन्वंतर। एक मनु का शासन काल होता है, और चतुर्युगी सत्त द्वापर त्रेता कली, सत्त द्वापर त्रेता कली ऐसे करके, अभी आप लोग सुनेंगे प्रभु जी गलत बोल रहे हैं, सत्य त्रेता द्वापर कली होता है, सत्त द्वापर त्रेता कली कैसे, यही है, यही सही क्रम है। सिर्फ 28वें चतुर्युगी में युग विपर्जय होता है। यहाँ पे त्रेता पहले आता है और द्वापर बाद में आता है और कली उसके बाद में आता है, क्योंकि ये कली विशेष कली होता है, ये सामान्य कली नहीं है, घनघोर कली। हाँ, 28 2+8 10, हाँ 2-8 6, 10 विध जो हमारे सूक्ष्म इंद्रिय ज्ञानेन्द्रिय हैं, उसका सबसे बड़ा विक्षोभ का काल है ये चतुर्युग। और 2-8 6 हमारे षड रिपु काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य का सर्वोत्तम शोभ का काल है ये। इसलिए इस समय विशेष भगवान खुद साक्षात स्वयं भगवान कृष्ण अवतरित होते हैं इस चतुर्युगी में। 28 याद रखिए, युग विवर्जय होता है। बाकी जगह पे सब सब सत्य द्वापर त्रेता कली ऐसे ही होता है। तो ये विशेष है, इसलिए ये जो चल रहा है अभी ये 28वां ही है। तो एक मन्वंतर में 71 बार चतुर्युग बीत जाए उसे एक मन्वंतर कहते हैं। 14 मन्वंतर में ब्रह्मा जी का दिन का भाग होता है, दिवा भाग यानी जब प्रकाशित भाव रहता है। फिर उतने ही एक कल्प समान रात होता है ब्रह्मा जी का, जहाँ पे ब्रह्मा जी सो जाते हैं गौण सृष्टि का प्रलय हो जाता है, और फिर ब्रह्मा जी सुबह उठते हैं, फिर नवायमान सृष्टि करते हैं। सोचिए कि अभी
ये समय काल के अद्भुत है। अभी भी ब्रह्मा जी का एक दिन खत्म, माने कुछ सेकंड खत्म हुआ है जस्ट, कुछ महीने कुछ घंटे खत्म हुए हैं, और भगवान के इतने असंख्य अवतार आके चले भी गए लीला करके, और हम लोग एक एक क्षण तड़प तड़प के मर रहे हैं। कोरोना आ रहा है, इत्यादि आ रहा है। हाँ, तो ये है हम लोग का क्षुद्र क्षुद्राति क्षुद्र पोजिशन, बहुत ही शुद्र पोजिशन। लेकिन हम लोग जब थोड़ा बहुत भक्ति या साधु के संग में आते हैं, थोड़ा भक्ति करने लगते हैं, तो हम लोग सोचते हैं हम लोग बहुत बड़े भक्त हो गए। ये तो हमारा पोजीशन है। तो ये है मनवंतर। तो 14 मनवंतर होते हैं। तो यहाँ पे दिया चाक्षुष मनवंतर नहीं, हाँ यहाँ पे मार्क कीजिए। सबसे पहले मनवंतर को स्वयं भू मनवंतर, फिर है सरोचिष मनवंतर, फिर है औत्यमीय मनवंतर, फिर है तामस मनवंतर, पांचवे है रैवत मनवंतर, छठे है चाक्षुष मनवंतर, और सातवा है वैवस्वत मनवंतर। वैवस्वत मनु को वैवस्वत मनवंतर में स्थानांतरित करने के लिए वे बचाए थे मत्स्य अवतार रूप धारण करके। ये मनु भी भगवान के अवतार हैं, शक्तवश अवतार हैं। हाँ, तो हर मनु के नाम से मनवंतर का नाम होता है। स्वयंभू मनवंतर का नाम स्वयंभू मनु के नाम से पड़ा, ऐसे ही उत्तम मनु के नाम से औत्तमीय मनवंतर, ऐसे करके सबके नाम से। तो चाक्षुषो मनवंतर यानी चाक्षुष मनु था उनका नाम, उस मनवंतर का शासन काल में जो राजा था वो। और सातवें है वैवस्वत मनवंतर, हाँ सातवां, उसमें वैवस्वत मनु उनको स्थापन किया था। इसके बाद आता है सावर्णी, दक्ष सावर्णी, ब्रह्म सावर्णी, धर्म सावर्णी, रुद्र सावर्णी, देव सावर्णी और इंद्र सावर्णी, इसके बाद भी आएंगे। और इन सब मनुओं का नाम, माने उस जो मनवंतर और मनुओं का नाम एक ही होता है, उनका शासनकाल होता है। तो अभी चल रहा है वैवस्वत मनवंतर। हम लोग बोलते हैं ना श्वेतवराह कल्प, कल्प का नाम क्या है, इस दिन का नाम श्वेतवराह कल्प। श्वेतवराह कल्पे वैवस्वत मनवंतरे अष्टाविंशतितम कलियुगे प्रथम पाद परम प्रथम चरणे, हम लोग बोलते हैं ना संकल्प मंत्र। तो इस समय भगवान ने मत्स्य रूप धारण किया था और वैवस्वत मनु को रक्षा करके उनको प्रतिष्ठित किया था। तो जीव गोस्वामी पाद अपने टीका में कहते हैं कि विष्णु धर्मोत्तर मार्कंड पुराण हरिवंश इत्यादि शास्त्र में कहा गया है कि प्रत्येक मनु के अवस्थान में प्रलय होता है। प्रलय का भी बहुत सारा मात्रा है, जैसे एक प्रलय होता है ये जो मनवंतर का प्रलय, तब जल निमग्न होता है। इसमें भागवत में भी कहा गया, इन पुराणों में भी कहा गया है, और मार्कंडेय ऋषि तो बार बार ये देखे हैं, 7 कल्प उनका आयु है। हाँ, तो उन्होंने अपने आंखों से देखा है ऐसा होते हुए। तो ना तो प्रलय होता है ऐसे करके मनवंतर में, और उसके बाद होता है दीवा भाग जब खत्म हो जाता है। हाँ, तब ब्रह्मा, वो तो प्रलय होकर ब्रह्मा निर्दम चले जाते हैं ऐसे करके करके दिन, इसे के बोलते हैं आंशिक प्रलय। और एक है माला महाप्रलय, जब ब्रह्मा जी का आयु पूर्ण हो 100 वर्ष पूर्ण हो जाते हैं, तब ये ब्रह्मांड बुद्ध के से फट जाता है, और तब भगवान शंकर रुद्र रूप धारण करके ब्रह्मांड को नष्ट करते हैं। हाँ, उसे महाप्रलय कहते हैं, जो प्रलय का भी मात्रा होता है। हर मनवंतर में चतुर्युग जब होता है, इसमें युग विपर्जय हो, युग परिवर्तन हो के सत्ययुग का स्थापना होता रहता है उसी में। हाँ, तो ऐसे करके प्रलय आंशिक और महाप्रलय होता है। तो बहुत लोग कहते हैं कि वेदव्यास ने शिव महापुराण में भगवान शंकर को सर्वोच्च माना है, हम लोग क्यों भागवतम को मानेंगे कृष्ण के बारे में, ब्रह्मवेद पुराण के बारे में? तो हम लोग तो कहते ही हैं ब्रह्मवेद पुराण के अनुसार भी भगवान कृष्ण से ही पंचमुखी भगवान शंकर उत्पन्न हुए। हाँ, वे भगवान शक्तवेश अवतारी भगवान ही हैं, जैसे बलराम जी भगवान ही हैं, लेकिन भक्त रूप में उनकी ज़्यादा महिमा है।
हनुमान जी भगवत अवतार हैं, लेकिन भक्त रूप में ज्यादा महिमा है। भरत जी, लखन लाल जी, सब तो भगवत अंश हैं, लेकिन भक्त रूप में उनकी ज्यादा महिमा है। तो ऐसे भगवान शंकर कर भी भगवान भगवत तत्व ही हैं, लेकिन भक्त रूप में वैष्णवानाम तथा शंभु, वैष्णव श्रेष्ठ क्या है शंभु, भगवान शिव उनकी ज्यादा महिमा है। शिव महापुराण ये सर्वोचित मन्वंतर की कथा है। तभी ये चंडी इत्यादि जो महिषासुर अनंत अनंत जो भी लीला हुआ है, शुंभ निशुंभ, ये तब की कथा है। उस समय वेलो भी अधिष्ठाता थे, जैसे गजेंद्र मोक्ष भी अलग मन्वंतर का कथा है, हयग्रीव अवतार ये भी अलग मन्वंतर की कथा है। तो यहाँ पे मन्वंतर ईशानु कथा, मैंने पहले ही बोला था विषय है, सभी मन्वंतर का कुछ कुछ कथाएं इसमें दी हुई है। तो हर जगह पे लिखा हुआ है, मन्वंतर के बारे में दिया हुआ है। जैसे यहाँ पे दिया चाक्षुष मन्वंतर में, समझना होगा आपको कि तब मत्स्य अवतार हुआ था। तो भगवान के विशेष अवतार भले किसी मन्वंतर में हुए हो, उनकी लीला उनके रूप का गुणगान करने से अवश्य ही मुक्ति लाभ होता है, बस इतना जान के रखिए। तो वेदव्यास ने जो कहा वो भी सही है, वेद पुराण जो ये सब लिखा हुआ है, विष्णु पुराण, वो भी सब कुछ सत्य है, एक चीज़ भी गलत नहीं है। आपको इस तरीके से समझना पड़ेगा, लेकिन आप उस मन सर्वोचित मन्वंतर में नहीं है, आप भविष्य तो मन्वंतर में हैं। इस मनु के हर्षण काल में जो ब्रह्मा जी का निर्देश है वो आपको पालन करना है, उससे आपको उद्धार होगा। तो ऐसे करके ये मन्वंतरों का फेर है, और कल्प, कल्पों के नाम भी होते हैं, श्वेत वराह कल्प बोलते हैं। इस कल्प में भगवान श्वेत वराह रूप में प्रकट होते हैं एक मन्वंतर में। सुर, ये 16वां मंत्र श्लोक, सुर असुरानार्म उद्धित उद्धिम मतताम मंदराचलम दद्रे कमट रूपेण पृष्ठे एकादशी विभू। एका 11वें अवतार के रूप में भगवान कूर्म रूप में परिग्रह, कूर्म रूप धारण करके उनके पृष्ठ भाग में पीठ पर मंदराचल पर्वत को धारण करते हैं, जो समुद्र मंथन का देवता और दावनव मंथन दंड रूप में व्यवहार कर रहे थे। समुद्र मंथन में भगवान ने 5 अवतार लिए हैं, आगे भी आएंगे। 12 और 13 अवतार भी समुद्र मंथन से लिखा हुआ है, भागवतम में आ रहा है। 5 अवतार क्या क्या लिए थे? एक तो भगवान खुद सहस्र बाहु रूप में वो दंडों को पकड़े थे ऊपर से, और नीचे कूर्म रूप में 2 अवतार तो इधर। फिर अजीत रूप में भगवान देवताओं के पास वो लोग कर नहीं पा रहे थे, उससे लड़ नहीं पा रहे थे, माने भगवान क्या कुछ नहीं कर दी देवताओं के लिए। उसके बाद क्या, धन्वंतरी रूप में वो कलश लेके पैदा हुए, अमृत कलश, और फिर मोहिनी रूप में। ये 5 अवतार एट अ टाइम भगवान ने समुद्र मंथन में लिया। देव सुरो सुरगण को सात्वतां पतिम बोला गया ना भागवतम में, भगवान सुरपतिम सात्वतां पतिम, यानी देवगुण वाले या देवताओं के प्रथम हितकारी भगवान होते हैं। अभी देखिए 17वें मंत्र में, धन्वंतरम द्वादशम द्वादशमम दशमम एव च अपाययात् सुरान् अन्यान् मोहिन्या मोहयन् स्त्रियाः। 12वें अवतार के रूप में भगवान धन्वंतर के रूप में आविर्भूत हुए, और 13वें अध्याय अवतार के रूप में भगवान मोहिनी रूप धारण करके असुरों को सम्मोहित करके देवताओं को अमृत पान करा दिया था। इसी मोहिनी मूर्ति को देवी दुर्गा पूजा करती है, हरी बोल, ऐसे शास्त्रों में कहा गया है। देवी दुर्गा की अधिष्ठात्री देवी ये मोहिनी है। चतुर्दशं नारसिंह बिभ्रत दैतेन्द्रम उर्जितम ददार करजई उड़ौ एर काम कटकृत जथा। 14वें अवतार के रूप में भगवान नृसिंह रूप में आविर्भूत हुए, और अपने नखों के द्वारा दैत्यराज हिरण्यकश्यप के सुदृढ़ शरीर को विदीर्ण किया, ठीक जैसे एक सूत्रधर एक ट्रेन को विदीर्ण कर देता है, अपना जस्ट फाड़ देता है एक ट्रेन को, कुश को।
पंचदशंग बामनकं कृत्वा गदधर ध्वरं वलेः पदत्रयं जाचमान प्रत्यादीत सुस्त्रीपिष्टीपम्। 15वें एक अवतार के रूप में भगवान बामन रूप धारण किए दैत्यराज बलि की यज्ञ स्थान में गमन किए। यद्यपि वे देवताओं के पास समस्त सृष्टि को पृथ्वी जो भी देवताओं ने लिया था कब्जा किया था उनको लौटाने के लिए त्रिभुवन को अधिकार करने गए थे, लेकिन केवल त्रिपाद भूमि भिक्षा दान किए, भिक्षा को मांगे थे, भिक्षा की याचना किए थे। अवतारे षोड़ो समय पश्यन ब्रह्म द्रुहो नृपान त्रिशप्त कृत्व कुपितो निश्चत्र निश्चत्राम करोन महीम। 16वें अवतार रूप में भगवान भृगुपति रूप में अवतरण हुए, भृगुपति यानी परशुराम, और क्षत्रिय राजा 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 जो देव और द्विज देव और ब्राह्मण विद्वेषी हो गए थे उनके क्रुद्ध उनको क्रुद्ध उनको देखकर क्रुद्ध होकर इस पृथ्वी को वसुंधरा को 21 बार क्षत्रिय शून्य किया था। ये परशुराम भगवान रेणुका जामदग्नि पुत्र। हाँ तो विश्वामित्र ऋषि भी इनके रिश्तेदार लगते हैं, क्योंकि महाराज गाधी से ही उनका संबंध था। तो जामदग्नि पुत्र भृगुपति श्री परशुराम भगवान ने 21 बार निक्षत्रिय किया। ये इतिहास है कि क्षत्रिय लोग भी विलास भोग विलास में मत्त होकर अत्याचारी अनाचारी दुराचारी हो जाते हैं। तब भगवान ने अभी भगवान के अवतार की मैंने अभी जरूरत है एक्चुअली परशुराम भगवान की, अभी वे है भी चिरंजीवी में परशुराम भी आते हैं और वे महेंद्र पर्वत में हैं ऐसा कहा जाता है। खैर तो परशुराम भगवान निश्चत्र किए थे। तो कुछ इतिहासकार ऐसा ही बताते हैं कि जब जो मिस्र इजिप्ट में बहुत कुछ तिलक विलक धारण किए हुए आप राजा राजवाड़ों के उनके फराओ इत्यादि के मूर्ति फोटो मिलते हैं, इजिप्शियन और कोई नहीं वही भागे हुए यहाँ के, जैसे इजिप्शियन लोग सूर्य पूजा करते थे तो ये कहाँ से मिला इन लोगों को, हाँ जादू टोना इत्यादि कहाँ से मिला ये सब चीज़ें, भैरव जो कुत्ता होता है ये सब बुद्धि कहाँ से मिला। तो ये सब जो निशानियाँ मिलती हैं इजिप्ट में ये और कोई नहीं, ये जो भगाए हुए क्षत्रिय थे भाग गए जो इस वहाँ पे वो इकट्ठा हुए, जैसे जैसे प्राण धारण की और अपना जीवन चलाए तो उनको बोलते हैं इजिप्शियन। तो मिश्र तो भगवान परशुराम ने निक्षत्रिय किया था 21 बार पृथ्वी को, तथा सप्तदशी जात सत्यवत्यांग पराशरात चक्रे वेद तरो शाखा दृष्टा पुंशः अल्पमेधसः। 21 नंबर। इसके बाद 17वें अवतार हुए भगवान व्यास रूप में, पराशर मुनि और सत्यपति गर्भ से आविर्भूत हुए। मानव कुल के अंदर जो बुद्धिमत्ता का स्वल्पता है, कर्म बुद्धिमत्ता है, ये दर्शन करके चित्त बिहल हो उठा, उनके कल्याण के लिए वेद वृक्ष विभिन्न शाखा प्रशाखा का विस्तार की। तो भगवान व्यास खुद नारायण खुद कृपा करके व्यास रूप में आके उनका नाम एक्चुअली द्वीप में पैदा हुए थे तो उनका नाम पड़ा कृष्ण द्वैपायन, काले वर्ण के कृष्ण द्वैपायन, लेकिन जब उन्होंने एक वेद को चार वेद बना दिया और चारों वेद चारों ऋषियों को दिया अंगिरा इत्यादि, हाँ तो उनका नाम पड़ा वेद व्यास। और समस्त पुराणों को पंचम वेद पुराणों को भागवतम में दिया है, पुराण पुराण को पंचम वेद कहा गया है। वेदानुगत्य ही इतिहास समस्त कथाओं को पुराण बोला गया है, जो कथाओं के द्वारा बहुत सुंदर, ये कथा तो हिस्ट्री है, ये जो जो हुआ है वही है,
ऐसा नहीं कि मानक कोई कल्पित कथाएं हैं, जो जो जिस मनमंत्र में जो कथाएं हुई हैं, जो उन्होंने देखा है, वो उन्हें लिपिबद्ध किया है। नर देवत्वम आपन्नः सुर कार्य चिकित्सयाः समुद्र निग्रह आदिनी चक्रे विरियानी अतः परम। 18वें अवतार के रूप भगवान रामचंद्र के रूप में अभिभूत हुए थे। देवताओं के अभिष्ट सिद्ध करने के लिए सेतु बंधन करके भगवान रामचंद्र उनके पार्षद लोग रावण का वध किए थे, और ये महत् कार्य संपादन करके अपने अलौकिक वीर शक्ति का उन्होंने प्रदर्शन किया था। 21वें विंशति में वृष्णिषु प्राप्य जन्मनि राम कृष्णावीति भूप भगवान हरत भरम। 19वें और 20वें अवतार के रूप में परमेश्वर भगवान श्री बलराम और श्री कृष्ण के रूप में जदुवंश में वृष्णिकुल में आविर्भूत होकर पृथ्वी का भार हरण किए थे। ततो कलो संप्रवृत्ते सम्मोहाय सुरद्विषाम बुद्धो नामना अंजनसुत किकटेषु भविष्यति। उसके बाद कलयुग के प्रारंभ में भगवान ये तब ये भविष्यवाणी कर रहे थे, जब ये लिखा गया था तो अवतरित नहीं हुए थे। भगवत विद्वेष नास्तिकों को सम्मोहित करने के लिए बुद्ध के नाम से गया प्रदेश में अंजना पुत्र के रूप में आविर्भूत होंगे। किकटेशु यानी गया में, किकटेशु यानी गया में। तो ये जो बुद्ध है और ये जो गौतम बुद्ध है, सिद्धार्थ बुद्ध कपिला वस्तु वाला, ये दोनों बुद्ध अलग अलग है। हाँ, ये बुद्ध गया में, इनका अभी भी इनका कुछ ध्वंसावशेष पाया गया है, इसलिए बुद्ध गया बोलते हैं। ये हमारे भगवान के अवतार हैं जिनको भगवान विष्णु कहा गया है। ये भी अहिंसा परम धर्म वाले थे, उनका एक कॉपी इन कपिला वस्तु वाले योगी ने कर लिया। हाँ, और वो फेमस हो गया। फेमस हुआ हुआ जो भी हुआ, लेकिन जो शून्यवादिता है इस बुद्ध में, उस शून्यवादिता नहीं थी। वहाँ पे क्या बोलते हैं, उनका फिलोसफी क्या है, हॉरिबल फिलोसफी है। निर्वाण मिलता है तपस्वी बनेगी जो कंट्रोल, मन कंट्रोल करेंगे। तो तुम ही प्रकृति हो, प्रकृति तुम हो, थोड़ा सा भी मायावादी टाइप का फिलोसफी है। और फिर शून्यवादी क्यों है, वॉइडिज्म बोलते हैं इनको, क्योंकि आत्मा का अस्तित्व स्वीकार नहीं करते हैं। तो मेरा प्रश्न ये है कि जब आत्मा ही का अस्तित्व आप स्वीकार नहीं करते, तो निर्वाण मिलता किसको है मरने के बाद? और दूसरा, फिर पुनर्जन्मों की मानते हैं, इनके आशाएं लौट लौट के अबर आते हैं पुनर्जन्मों में। हाँ, सब गोलमेल फिलोसफी है इन लोगों का, तालगोल पकाना। कलियों के लोग क्या है, वो तो कुछ समझ में नहीं आता उन लोगों को, तो मैंने वो लोग इच्छा भी नहीं, वो तो भोग विलास में मत हैं लोग, बुक खोल के पढ़ते नहीं है शास्त्र में क्या दिया हुआ। लोग तो हरी बोल सब जगह जा रहे हैं, बाप बुद्धिस्ट लोग हैं। ये बुद्धिस्ट लोग का क्या गति हो रहा है आप लोग देख रहे हैं भारतवर्ष में। बुद्धिस्ट लोग महाद्वेषी हैं, ये लोग कोई बुद्धिस्ट, ये लोग कोई भक्त नहीं है, पाखंडी हैं, शास्त्र में वर्णन दिया गया है। ये वो बुद्ध के फॉलोअर नहीं है जो हमारे भगवान का अवतार थे, जिसका नाम इधर 24वें नंबर श्लोक में दिया गया है। उनका जन्म अंजना पुत्र का गया में हुआ था। उनकी सारी स्मृतियों को इन लोगों ने ध्वंस किया। आप लोग जानते हैं हमारे हिंदू धर्म में कितने अत्याचार, कितने सुंदर सुंदर ग्रंथ हम लोगों ने खो दिए हैं ये म्लेच्छ यवन और बुद्धिस्ट के आक्रमणों से। जैन लोग अभी तो अहिंसावादी समझते हैं, जैन लोग उनका राजा लोग बहुत अत्याचार किए हिंदुओं को, हिंदुओं का मंदिर तोड़ा है साउथ इंडिया में, प्रमाण है। ये लोग किस तरह के अहिंसावादी है भगवान ही जानता है। हाँ, मांस मछली सब, मैं तो खुद गैंगटॉक में गया देख के आया, सब बुद्धिस्ट मॉन्क लोग कैसीनो में जुआ खेल रहे हैं, बताओ। हाँ, तो ये सब गोलगप्पल है। इसलिए चैतन्य चैतामृत में कहा गया है, कोलिकाले जहाँ धर्म नामे चले भागवते कहे तहाँ परिपूर्ण छले, छल से परिपूर्ण है, क्योंकि ये लोग कली चेले हैं। हाँ, धार्मिक इमोशनों को यूज करके लोगों को फैसला के अपने आप मौज मस्ती करते हैं। जब मैं गैंगटॉक में गया तब एक
उनका बुद्धिस्ट आचार्य शादी किया था उनकी शिष्या से। तो खैर ऐसा ऐसा बहुत कुछ है, और कहने का तात्पर्य ये है कि वो जो बुद्धिस्ट और वो जो उनका जो फिलोसफी है उसके साथ हमारा लेना देना कुछ भी नहीं है। हम लोग के भगवान बुद्ध हुए वो गया में हुए, बेचारे का उनका तो कुछ अस्तित्व ही नहीं मिटा, सब मिटा दिया है इन लोगों ने। बुद्धिस्ट लोगों ने वाराणसी काशी विश्वनाथ को भी हमला किया था, ये शास्त्रों में इतिहास में पाया जाता है। बहुत मंदिर तोड़े, बहुत शास्त्र जलाए, बहुत कुछ किया, इनका लगे अहिंसा परमो धर्म है, बताओ। तो हिंदू लोग जाग जाओ, सबके ऊपर विश्वास मत करो, उदार होकर सबको, और बंगाली में कहावत है खेल खाल के टुमी जाना, नाली काटकर नदी से क्रोकोडाइल अपने घर में मत घुसाओ, सावधान हो जाओ, ये लोग कोई हितैषी नहीं है हिंदुओं के। अभी आप लोग बोलेंगे ऐसे प्रचलन कैसे हो गया, कैसे ये इतना फेमस हो गया, तो मैं क्यों नहीं, मैं बोलूँगा हाँ क्यों नहीं होगा, साईं बाबा कैसे फेमस हो गया, वो कौन सा भगवान है, अमर अकबर एंटोनी के गाने से फेमस हो गया, उसके पहले उसका रेवेन्यू नहीं था, उसके बाद ही तो फेमस हुआ, कैसे फेमस हो गया। ठीक ऐसे ही ये लोग फेमस हो गए, एक पिंडारी मुसलमान जो झांसी की रानी को धोखा दिया, चांद मियां जिसने सारा जीवन अल्लाह मालिक बोला, कभी भी कृष्ण शिव मालिक, शिव मेरे ईश्वर ऐसा कभी नहीं बोला, जो मांस पका के खाता था, समस्त तीर्थ यात्री को जो पंडित पूजाते थे उनको मांस खिला के उनके धर्म भ्रष्ट करता था, पता नहीं क्या चमत्कार किया, भगवान जानता है कौन चमत्कार कर रहे हैं, और हम लोग विश्वास कैसे कर लिए। हनुमान जी और भगवान शिव में वो शक्ति नहीं है जो उनमें शक्ति है ऐसा की, हाँ साईं राम अपना अपना मंत्र बना लिया, वेद बहिर्भूत पहले साजिश था कि धर्म को खत्म, हिंदू धर्म को खत्म कर दो, अभी साजिश क्या हो रहा है, हिंदू धर्म को ही चेंज कर दो। बुद्धिस्ट लोग क्या कर रहे हो आप लोग जान ही रहे हैं, वो भी एक है कल्ट हो रहा है भारतवर्ष में उसके पीछे कौन है, बुद्धिस्ट लोग हैं। जागिए, जागरण लाइए, ये बहुत जरूरी है, इसलिए भागवतम पढ़ना, शास्त्र पढ़ना बहुत जरूरी है। शास्त्र से नाता छूटा तो इतिहास क्या है जान ही नहीं पाएंगे, क्या है कहाँ से हम लोग का ओरिजिन है, हम लोग सिर्फ ऐसे ही रह गए, सब लोग आम और लूट के चले जाओ, मार के चले जाओ, हम लोग बस हम लोग ऐसे ही रह गए, बड़बड़ी बात करके रह गए हम लोग बस। तो ये देखिए गया प्रदेश में अंजना पुत्र, और फिर 25वें श्लोक में कहा गया कल कल्कि के बारे में, अथासो युग संध्यायां दस्सु प्रायशु राजसु जनिता विष्णु यशसो नामना कलि जगतपति ही। उसके बाद 22वें अवतार रूप में युग संधि काल में कलयुग युग के अंत में निपति, जब निपतिगण यानी लीडर्सगण जब पशुप्राय हो जाएंगे उस समय भगवान कल्कि अवतार धारण करेंगे, विष्णु यश नामक ब्राह्मण के पुत्र रूप में अवतरण करेंगे, तब एक सद ब्राह्मण रहेगा, उसका नाम भी दे दिया गया है विष्णु यश, और कहाँ ग्रहण करेंगे उसका नाम भी दे दिया गया है। और सूर्यवंश चंद्रवंश को स्थापना करेंगे, उनके राजा लोग भी अभी तक हैं, उन राजा को भी प्रतिष्ठा करेंगे। अवतारा ही असंख्यो हरे सत्व निधेर्जिता द्विजाः जता विदासीन कुल्याः सरसस्सु सहस्रशः। हे ब्राह्मणगण, विशाल जलाशय से जैसे असंख्य नदी प्रवाहित होती है, ठीक भगवान के ऐसे असंख्य अवतार प्रवाहित होते हैं। ऋषयो मनवो देवा मनुपुत्रा महूजसः कलाः सर्वे हरेरेव सप्रजापतयः स्मृताः। समस्त ऋषि मनु देवता और मनु के वंशधर जो विशेष शक्ति संपन्न हैं वे सभी भगवान के अंशकला विभूतियां हैं, प्रजापति भी उनके अंशकला विभूतियां के अंतर्गत हैं। लेकिन 28वां मंत्र है बहुत इंपॉर्टेंट, वो है इतिचांशकला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारि व्याकुलं लोकं मृडयन्ति युगे युगे। पूर्व उल्लिखित जो भी समस्त अवतारों का वर्णन हुआ है
वे सब भगवान के अंश ये कला है, किंतु श्री कृष्ण है परमेश्वर भगवान स्वयं। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण के अवतार हैं सब लोग। जब नास्तिकगण के अत्याचार बढ़ उठता है, तब आस्तिक को रक्षा करने के लिए भगवान खुद ही धराधर में अवतरण होते हैं नाना रूप धारण करके। इसलिए जयदेव गोस्वामी ने कहा, केशवदित नरहरि रूप, केशवदित राम शरीर, केशवदित शुक्र रूप इत्यादि, केशव कूर्म शरीर। भगवान कृष्ण है अवतार लेते हैं। जन्म गुह्यं भगवतो जह एतत् प्रयतो नरः, सायं प्रातः गृणन् भक्त्या दुःख ग्रामाद् विमुच्यते। फलश्रुति, ये अवतारों की लीलाओं को सुनने की फलश्रुति सुनिए क्या है। जो मनुष्य बहुत मन केंद्र करके भक्ति के साथ भगवान की रहस्यपूर्ण प्रकट और अवतरण की कथा सुबह यानी प्रातःकाल में संध्या में भक्तिपूर्वक पाठ करेंगे, भक्तिपूर्वक पाठ करेंगे, वे जग जगत के समस्त दुख दुर्दशा से मुक्त हो जाएंगे। हरी बोल। तो ये अवतारों की लीला इतनी महिमा मंडित है। कलिकाल में सब कुछ चल जाता है, ऐसे चलता आया है हिंदुओं के, हिंदू माने दिकन गोटो इन बिंदु। तो अभी समय आया है, अभी आप लोग सदगुरु सत शास्त्र का आश्रय लेकर पूर्व काल में हुए हिंदुओं से तथा सनातनियों से जो गलतियां हुई उसको सुधारे और नई पीढ़ी को शिक्षा दे, और कौन किस भावना से हमारे पास आ रहा है उसको समझे बुद्धि के द्वारा। वो हमारा हित नहीं चाहते, सबसे बड़ा अगर हित चाहते तो इसे छोड़ कर चले जाए, वो सबसे बड़ा हित है। कुछ लेने के देने के लिए आ रहे हैं, इसका मतलब भी कुछ करने के लिए आ रहे हैं। हाँ, चैरिटी वैरिटी जो भी होता है ना, सब मिशनरीज हैं नंतनन, वो सब इसके लिए ही है, दखल करने के लिए। जो कल्याण करना चाहेगा वो कल्याण के चला जाएगा, बस नहीं जाएगा। हेल्प किसे कहते हैं? हेल्प यानी मैंने आपको, चलो आपने ये मांगा, आपने दिया, बस उसके पास चलो अपने, मैं अपने पास घर बसा नहीं लूँगा आपके पास, इसे हेल्प नहीं कहते हैं। तो हेल्प की परिभाषा को समझिए। मूर्ख मत बनिए, भिखारी मत बनिए। थोड़ा पैसा चावल घर मकान के लिए धर्म परिवर्तन करके उनको अपना सर्वस्व दे रहे हैं, जो आपको तो विनाश करेगा ही, यहाँ पर धर्म चुत कर विनाश तो कर ही चुके हैं, और पूरे भारतवासी इतना बड़े ऐतिह्यशाली एक राष्ट्र उसका नाश करेंगे। सेल्फिश मत बनिए, यही मेरा आप लोगों से प्रार्थना है। श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।